ईवीएम को लेकर देश में हंगामा मचा रहता है। विपक्ष को हमेशा ये डर रहता है कि ईवीएम के सहारे सरकार परिणाम को बदल सकती है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों में भी ईवीएम सवालों के घेरे में आ गई थी। आरजेडी ने ईवीएम से चुनाव परिणाम बदलने का आरोप लगाया था। आमतौर पर ईवीएम का समर्थन इस वक्त सत्तारूढ़ बीजेपी को छोड़ कोई भी दल करता नहीं दिखता। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार इसे लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। महाराष्ट्र में अब ईवीएम से नहीं होंगे चुनाव। ईवीएम की जगह अब होगी बैलेट पेपर की वापसी, या फिर ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का विकल्प भी दे सकती है सरकार। इस समय महाराष्ट्र में लोगों के मन में ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर नाना पटोले ने सरकार को बैलेट पेपर से मतदान कराने का विकल्प देने के निर्देश दिए हैं। नाना पटोले ने कहा कि राज्य के नागरिकों को स्थानीय निकाय चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनावों में भी बैलेट पेपर का विकल्प मिलना चाहिए। ईवीएम पर संदेह जताते हुए नाना पटोले ने कहा कि मैंने राज्य सरकार से इस संबंध में एक कानून बनाने को कहा है। राज्य सरकार एक कानून बना सकती है। अतीत में चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर संदेह पैदा किया गया था। मतदान एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी बैलेट पेपर या ईवीएम का उपयोग करके वोट डालने का विकल्प होना चाहिए। देश भर के कई विपक्षी दलों ने बीते कई मौकों पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और बैलेट पेपर प्रणाली को वापस लेने की मांग की है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल है। कांग्रेस शुरुआत से ही ईवीएम का विरोध कर रही है, इसीलिए उम्मीद है कि विधानसभा में यदि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का प्रस्ताव आता है तो वो आसानी से पास हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।